हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज शेक्सपियर डिफरेंटिएट स्पिरिचुअल लव फ्रॉम फिजिकल लव। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, स्पिरिचुअल लव फ्रॉम फिजिकल लव। शेक्सपियर सोनेट्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ट्रू लव, दैट इज बेस्ड ऑन डिवाइन क्वालिटी। ऑफ लव, फिजिकल लव इज मेयरली अट्रैक्शन दैट लीड्स टू लस्ट। ओके, द सोर्स ऑफ मोमेंट्री जॉय, बट ट्रू लव डिमांड्स सैक्रिफाइस एंड लिव्स बियॉन्ड डेथ, फॉर इट इज इमॉर्टल। On the contrary, physical love is lust, or rather immortal love. Shakespeare believes in divine power of love. Being divine, true love is changeless and immortal. If any change appears in a lover, undoubtedly his or her love is not true. If a lover fears a worldly enemy, it is sure his or her love is not true. For true love has divine power that defeats the worldly power of the destroyer. Shakespeare's concept of true love is sublime. It is a matter of soul rather than body. According to Shakespeare, physical love is devoid of these divine qualities. In his sonnets, he pleads that love is immortal and not to be changed in any condition. If it changes, it is not true love. If it is afraid of worldly difficulties, it is not true love. If it changes with time or decay, with decline in physical beauty, it is physical love that is nothing more than lust.
शेक्सपियर का ये जो सोनेट है वो ट्रू लव के बेस पर है, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन डिवाइन क्वालिटी ऑफ लव, क्योंकि ट्रू लव जो होता है वो देवी गुण रखता है, देवी गुण रखता है, ओके। फिजिकल लव इज मेयरली अट्रैक्शन, देखिए जो शारीरिक प्रेम होता है वो केवल एक आकर्षण होता है जो हमें केवल लस्ट की तरफ ले जाता है, ओके। द सोर्स ऑफ मोमेंट्री जो है, बट ट्रू लव डिमांड सेक्रीफाइस, और जो ट्रू लव होता है उसमें बलिदान भी देखा जाता है, लिव्स बियॉन्ड डेथ, क्योंकि वो डेथ से भी परे होता है, ये इमॉर्टल होता है, मतलब अमर होता है ट्रू लव। ऑन द कंट्रेरी इसके अलावा फिजिकल लव जो शारीरिक प्रेम होता है वो केवल एक लस्ट होता है, ओके, रेदर इमॉर्टल लव, जबकि ये जो अमर प्रेम होता है इमॉर्टल लव होता है। शेक्सपियर बिलीव इन डिवाइन पावर ऑफ लव, शेक्सपियर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं देवी पावर में, जो डिवाइन पावर है, देवी गुण है प्रेम का, उसमें विश्वास करते हैं कि विंग डिवाइन, देवी होते हुए भी ट्रू लव इज चेंजलेस एंड इमॉर्टल, सच्चा प्रेम जो होता है वो ना तो कभी बदलता है और कैसा रहता है, ये इमॉर्टल रहता है। इफ एनी चेंजेस अपीयर इन ए लवर, अवर लवर प्रेमी के जीवन में कोई भी बदलाव दिखाई देता है, अनडाउटली निसंदेह हिज और हर लव, इसका मतलब उसका प्रेम सच्चा नहीं है। फॉर ट्रू लव, सच्चे प्रेम जो है, हैज डिवाइन पावर, ये देविक शक्ति रखता है, दैट डिपेंड्स द वर्थली पावर ऑफ द डस्टर, जो कि वर्थली पावर्स जो होती हैं, सांसारिक शक्तियाँ होती हैं, उनको हरा देता है और उनको नष्ट कर देता है। शेक्सपियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इज सब्लाइम, शेक्सपियर का जो कॉन्सेप्ट है ट्रू लव का, सच्चे प्रेम का, इट्स ए सब्लाइम, ये श्रेष्ठ है, ओके, इट इज ए मैटर ऑफ सोल रेदर देन बॉडी, क्योंकि मैटर आत्मा का होता है ना कि शरीर का, ओके। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के अनुसार फिजिकल लव इज डिवॉइड ऑफ दीज डिवाइन क्वालिटी, जो शारीरिक प्रेम होता है इज डिवॉइड ऑफ दीज डिवाइन क्वालिटी, ये देवी गुण होते हैं ना, उनकी समझ के परे है, ओके। इन हिज सोनेट, अपने सोनेट्स में ही प्लेस दैट लव इज इमॉर्टल, उन्होंने बताया कि लव जो है वो इमॉर्टल है, नॉट टू बी चेंज इन एनी कंडीशन, सच्चा प्रेम जो होता है वो अमर होता है और किसी भी कंडीशन में वो कभी भी नहीं चेंज होता, कभी भी नहीं बदलता है। इफ़ इट चेंजेस इट इज़ नॉट ट्रू लव, अगर कोई भी चेंजेस आता है ट्रू लव के बीच में, इट्स मीन दैट इट्स नॉट ए ट्रू लव, इसका मतलब ये है कि ये सच्चा प्रेम नहीं है। इफ़ इट इज़ ए अफ्रेड ऑफ वर्ल्डली डिफ़िकल्टीज, और अगर ये डरता है, जो सांसारिक बाधाएं होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज होती हैं, इट इज़ नॉट ट्रू लव, अगर ये सांसारिक बाधाओं से, सांसारिक कठिनाइयों से डर जाता है, इसका मतलब ये ट्रू लव नहीं है। इफ इट चेंजेस विद द टाइम, अगर ये चेंज हो जाता है समय के साथ और डिके और नष्ट भी हो जाता है, डिक्लाइन यानी फिजिकल ब्यूटी की, जैसे जैसे फिजिकल ब्यूटी अट्रैक्टिव थी तब तो ट्रू लव था, और जब फिजिकल ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो गई बाय द पावर ऑफ टाइम तो ट्रू लव चेंज हो गया, इट्स नॉट ए ट्रू लव। हम इसको ट्रू लव नहीं कह सकते, ये सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता, ओके। इट इज़ ए फिजिकल लव, ये क्या है, इट्स ए ओनली फिजिकल अट्रैक्शन, इट्स ए ओनली फिजिकल लव, ये केवल शारीरिक प्रेम है, आत्मिक प्रेम नहीं है, दैट इज नथिंग मोर देन लस्ट, जो कुछ नहीं है केवल लस्ट, लस्ट केवल भूख को शांत करने वाला है, ओके, जो केवल क्या है, केवल भूख ग्लास, जबकि जो ट्रू लव होता है इज ए डिवाइन पावर, ये देवी गुण होते हैं, इट्स ए डिवाइन क्वालिटी, इसमें देविक शक्ति होती है, देविक गुण होते हैं, इट कैन नॉट बी चेंज बाय द पावर ऑफ टाइम, और ये कभी भी समय की शक्ति के साथ
बदलता नहीं है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पावर ऑफ टाइम, और ना ही कभी ये समय की शक्ति के साथ नष्ट होता है। ओके, इट्स मीन दैट बाय द पावर ऑफ टाइम ट्रू लव कांट बी चेंज। इफ इट्स हैव टू बी चेंज देन इट्स नॉट ए ट्रू लव। ओके, ट्रू लव इज ए डिवाइन क्वालिटी नॉट टू बी अफेक्टेड बाई वर्ल्डली ऑब्स्टिकल। इफ लव इज ट्रू देयर मे नेवर बी एनी ऑब्स्टिकल इन द यूनियन ऑफ लव, फॉर देयर लव इज ब्लेस्ड बाय गॉड। इफ ए लवर कंप्लेन ऑब्स्टिकल आइदर हिज लव इज नॉट ट्रू और ही हैज नॉट फर्म फेथ इन इट्स divine power. True lovers have always faced worldly obstacles with great courage and patience. Okay, being divine, true love is changeless and immortal. If any changes appear in a lover, undoubtedly his or her love is not true. उसका प्रेम सच्चा नहीं है, मतलब कोई भी सच्चे प्रेम में बाधा दिखाई देती है। ओके, फॉर ट्रू लव हैज डिवाइन पावर दैट डिफेक्ट्स द वर्ल्डली पावर ऑफ द डिस्ट्रॉयर। ओके, शेक्सपियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव इज सब्लाइम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।